यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस में बनना चाहते हैं एसआई और सिपाही, तो अब आप बन सकते हैं सीधे एसआई और सीधे सिपाही। बिना किसी फिजिकल के, बिना किसी एग्ज़ाम के, अब आप जा सकते हैं एसआई और सिपाही बनने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा और वो योग्यता अपने आप में पैदा करनी होगी जिनको एसआई और सिपाही सीधे बनाया जाएगा। साथ ही साथ इस टाइप के कितने पद हर वर्ष मध्य प्रदेश पुलिस निकालेगी सिपाही के, और कितने पद निकालेगी मध्य प्रदेश पुलिस एसआई के, वो भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट कि कितने पद एसआई और कितने पद सिपाही हैं और कौन है वो जिन्हें डायरेक्ट बनाया जाएगा एसआई और सिपाही। देख भाई, एमपी पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई रिक्रूटमेंट 2021, पदक विजेता खिलाड़ियों की पुलिस में होगी सीधी भर्ती। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये जानकारी दी। और ये कब का अपडेट है? 2 फरवरी 2021 का 12:26 का ये अपडेट है और हिंदुस्तान लाइव की ये खबर है। चलिए देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। देखिए इन्होंने क्या कहा है भाई, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एंड एसआई रिक्रूटमेंट 2021। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों की प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में सीधी भर्ती करेगी। मतलब अगर आप नेशनल लेवल पर खेल जाते हैं, नेशनल लेवल पर पदक जीत लाते हैं या अंतर्राष्ट्रीय पर जीत लाते हैं, तो दोनों ही अवसरों पर आपको मध्य प्रदेश पुलिस जो है सीधे भर्ती करेगी। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 60 पदों पर सीधी भर्ती होगी। मतलब इस टाइप के खिलाड़ियों के लिए 60 पद प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश निकालेगा, जिनमें 10 पद उप निरीक्षक मतलब एसआई के होंगे। जो 60 टोटल पद हैं उनमें 10 पद तो होंगे एसआई के और 50 पद होंगे किसके भाई, कांस्टेबल के मतलब सिपाही के। तो 10 तो एसआई और 50 यहाँ पर सिपाही बनेंगे। आधिकारिक जानकारी में मिश्रा ने बताया कि प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर सीधे उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। मतलब अब जो एसआई बनेंगे वो कौन से होंगे भाई, जो ओलंपिक में पदक लेकर आएंगे, जो एशियाड में, एशियाई खेलों में पदक लेकर आएंगे, जो कॉमनवेल्थ गेम में जो है पदक लेकर आएंगे, वो सभी खिलाड़ी क्या बनाए जाएंगे, एसआई बनाए जाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के पदक विजेता खिलाड़ियों को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया जाएगा। और अगर आप नेशनल लेवल पर पदक लेकर आते हैं तो आपको सीधे कांस्टेबल बना दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त स्तर पर दिव्यजनों के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी लाभ दिया जाएगा। मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनको भी ये लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उपरोक्त पदों की भर्ती के लिए खिलाड़ियों के पास वांछित शैक्षिक योग्यता होना आवश्यक है। मतलब जैसे अगर एसआई बनना है तो भाई ग्रेजुएशन जरूरी है, तो वो वहाँ पर जरूरी है, मस्ट है। और अगर आपको बनना है कॉन्स्टेबल तो कहीं 10th पास और कहीं 12th पास है, तो जैसा भी मध्य प्रदेश पुलिस में मतलब शैक्षिक योग्यता का अर्हता है वो भी पूरा होना चाहिए। उनकी किसी प्रकार से न तो परीक्षा ली जाएगी और न ही फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। मतलब एक तरह से उन्हें सीधे ही कर लिया जाएगा भैया भर्ती। तो अब मध्य प्रदेश में जो है ये बहुत अच्छा रास्ता खुल गया है कि अगर आप गेम्स में आगे बढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस आपको दे रही है एसआई और सिपाही बनने का मौका। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।